फ्राइडे के दिन यानी कि 11 अगस्त को हमें दो शेयर्स के अंदर काफी अच्छा फॉल देखने को मिला। सबसे पहला है हमारा एल्कम लैब। एल्कम लैब का मैंने यहाँ डेली चार्ट खोला हुआ है। यहाँ पर देखिए, डेली चार्ट पर इतनी बड़ी यहाँ पर हमें एक रेड कैंडल देखने को मिली है। ये पूरी कैंडल लगभग हमारा 7% का फॉल दिखा रही है। ऊपर से यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा आया है। अब यहाँ पर एल्कम लैब में आपको मंडे के दिन क्या करना है, ऑलराइट? अब देखो, जब इतनी बड़ी कैंडल आती है ना, तो उसका स्टॉप लॉस भी काफी बड़ा हो जाता है। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस भी 7% का होगा। अगर आप डाउन साइड प्ले करते हैं, 7% का आपका एसएल रहेगा। लेकिन किसी को थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए खेलना है, तो यहाँ पे आप एक पुल बैक का वेट करिए। पुल बैक हो सकता है, यहाँ पर आप फिबोनाची लगा सकते हैं। इस पुल बैक के ऊपर मैं अभी लगा देता हूँ, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पर कैसे प्ले कर सकते हैं। इस पूरे स्विंग के ऊपर पुल बैक लगाया, ठीक है, सॉरी, फिबोनाची लगाया। अब इस फिबोनाची के अंदर, जब मैं इसके अंदर चार्ट चेंज कर दूंगा, 15 मिनट का चार्ट लगाया था यहाँ। अब 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट के अंदर जहां पर भी आपको रिवर्सल कैंडल दिखे, जैसे यहां पर रिवर्सल कैंडल दिखी थी, इस वाले लेवल के नीचे दोबारा से शॉर्ट करना था। वापस से सपोज ये ऊपर जाता है, जहां पर भी रिवर्सल कैंडल दिखे वापस से शॉर्ट कर दो, तो आपको एसएल वहां पर आपका डिफाइंड होगा। शॉर्ट करोगे, सपोज यहां शॉर्ट करते हो, टारगेट यहां तक का लोगे, जिसे टारगेट ट्रेल करना है यहां तक का भी ले सकता है, इस वाले लेवल तक का। और आपका एसएल रहेगा ये वाला, इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज हो जाती है, जैसे सपोज आपने यहां पर शॉर्ट कराया, तो आपका एसएल उससे ऊपर वाला लेवल रहेगा, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूं आप एक इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, या फिर आप 2-3 दिन के हिसाब से कोई ट्रेड कर रहे हो, तो उसके अंदर आपको ऐसे ट्रेड करना है। अब किसी को थोड़ा सा लॉन्ग टर्म करना है यहाँ पर, तो लॉन्ग टर्म के लिए ये जो लेवल है ना, इस लेवल को नीचे ब्रेक होने दो। 3800 का लेवल मारा था एल्कम ने, जैसे ये ब्रेक होगा आपको 3700 तक के टारगेट, इनफैक्ट 3600 तक के टारगेट आपको एल्कम में देखने को मिल सकते हैं। एसएल आपका जो ये कैंडल थी, इसके हाई का रहेगा, ये एसएल है 4100 का। ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म में मान लीजिए 1 से 1.5 महीने का आपका यहाँ पर पूरा टेन्योर है, लेकिन इंट्राडे 2-3 दिन के हिसाब से खेलना है। तो यहाँ पे पूरे पे आप ऐसे फिबोनाची लगा के और इजीली प्ले कर सकते हो। आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे कैसे प्ले करना है। अब इंट्राडे वाले भी, सपोज यहाँ पर एल्कम मंडे के दिन यानी कि 14th अगस्त को ये वाला लेवल ब्रेक कर देता है। ब्रेक कैसे होगा, 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है। 3800 का लेवल है, 3800 के नीचे सपोज हम मानते हैं 3790, 3780 के आसपास कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है, तो यहां से आप शॉर्ट करोगे, ठीक है। पहला टारगेट आपका यहाँ पर होगा 3750 का, ट्रेल करते जाओगे, कॉस्ट पर ले आओगे अपना एसएल, लगभग 3800 के अराउंड आप अपना एसएल ले आओगे, और 3700 तक का आपका दूसरा टारगेट होगा। एसएल आप ये वाला ले सकते हैं, अगर आप यहाँ से शॉर्ट करते हैं तो 3790 से शॉर्ट करते हो, 3850 का आपका एसएल रहेगा। पहला टारगेट 3750, दूसरा टारगेट रहेगा आपका 3700। तो एल्कम लैब के अंदर आप मंडे के दिन इस हिसाब से प्ले कर सकते हैं। अगर ये लेवल सीधा ब्रेक होता हुआ दिखा, तो डाउनसाइड के आपको टारगेट पता है। अगर अपसाइड जाता है, तो अपसाइड खेलना नहीं है एल्कम के अंदर। आप अपसाइड तभी खेलेंगे जब वापस से एल्कम इस वाले लेवल को क्रॉस कर देता है, 4100 को वापस से क्रॉस कर देता है। यानी कि जिन्होंने शॉर्ट करा हुआ था ना, उनका एसएल लग चुका है, वो अपनी पोजीशन यहां से एग्जिट कर देंगे, तो ये वापस से काफी तेज स्पाइक दे सकता है हमें, ऑलराइट? तो एल्कम में आपको ऐसे प्ले करना है। अब दूसरे स्टॉक की बात कर लेते हैं, जिसके अंदर अच्छा फॉल देखने को मिला था हमारा मंडे के दिन, सॉरी फ्राइडे के दिन। मैं भी दिखाता हूं स्टॉक को, यह है अपोलो टायर, ठीक है। अपोलो टायर भी लगभग एस्ट्रल की तरह ही हमें फॉल देखने को मिला है। 15 मिनट का चार्ट है, पूरा 15 मिनट का यहां पर आप चार्ट देख सकते हैं, और इसके अंदर काइंड ऑफ इसने एक टारगेट भी दे दिया है, अपने टारगेट पर ही क्लोज हुआ है ये। यहां पर भी फिबोनाची लगाओ, हाई से लेके लो तक वापस से ऊपर जाता है। रिवर्सल कैंडल जब तक नहीं मिलती फिबोनाची के लेवल के आसपास, तब तक वापस से शॉर्ट नहीं करना। ये नहीं कि यहां पर एक बढ़िया ग्रीन कैंडल आ गई, शॉर्ट कर दो कि यहां से रिवर्सल कंफर्म, ऐसे नहीं करना। रिवर्सल कैंडल मिलने दो, फिर वापस से शॉर्ट कर देना, वापस से आप अगले लेवल तक आ जाओगे। यहां मिले रिवर्सल, यहां मिले, यहां मिले, कहीं भी रिवर्सल कैंडल मिल रही है, आप अपने अगले लेवल तक आ जाओगे, या फिर इस लो को ब्रेक होने दो। अपोलो टायर के अंदर भी हमारा ये लो ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लो है, मैं बता देता हूं, 392.60, बेसिकली 391 पर अगर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है, तो आपको ऑल द वे यहां पर 382, 383 का टारगेट मिल जाएगा।
एसएल आप यहां पर 403 का लगा सकते हैं, यानी कि अराउंड 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको मिल जाएगा यहां पर। ऑल राइट, वो मैं दिखाता हूं टारगेट कैसे मिलेगा। वन डे के चार्ट पे चलिए, ये वन डे का चार्ट है अपोलो टायर का। इसने ना अपोलो टायर ने बेसिकली बहुत टाइम बाद विद कैंडल हमारा 44 EMA भी ब्रेक करा है डेली चार्ट पर। ये देखो 44 EMA भी ब्रेक करा है और इसने यहां तक का टारगेट दे दिया, यही टारगेट बनता था। अब इसके नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो हम ऑल द वे यहां पर आ जाएंगे 380 पर आ जाएंगे। ऑल राइट, तो 391 के अराउंड आपको कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज दिखती है, 380 तक का आपका पहला टारगेट होगा। एसएल आप 402 के अराउंड लगा लेंगे और लगभग 11 पॉइंट का टारगेट, 11 पॉइंट का एसएल, ये पहला टारगेट। दूसरा टारगेट है ये 359 का। तो इस हिसाब से आप अपोलो टायर के अंदर भी प्ले कर सकते हैं। अगर ऊपर जाता हुआ दिखे तो फिबोनैकी का यूज करो, फिबोनैकी का यूज करके वहां से प्रॉपर रिवर्सल कैंडल पकड़ो 15 मिनट के चार्ट पे। इनफैक्ट 5 मिनट के चार्ट पर भी रिवर्सल कैंडल पकड़ सकते हो। अभी ये डेली चार्ट है, अगर मैं 5 मिनट का चार्ट यहां पर करता हूं, सपोज ये 5 मिनट का चार्ट है, मैं यहां पर फिबोनैकी लगाता हूं, ठीक है। तो ये हाई था, इससे लेके यहां तक एक बार फिबोनैकी लगाते हैं और मैं आपको समझाता हूं फिर कैसे करना है। 5 मिनट का चार्ट लग चुका है, फिबोनैकी भी लगा दिया है। अब क्योंकि इसके अंदर मेजर फॉल आया था, ठीक है, मेजर फॉल आया था विद वॉल्यूम फॉल आया था, तो अपसाइड जाता है, जाने दो, जहां तक जा रहा है जाने दो। सपोज यहां पे रुकता है और रिवर्सल कैंडल, बेयरिश एनगल्फिंग, और क्या कहते हैं, इनसाइड बार, या फिर डार्क क्लाउड कवर, या फिर यहां पर इन्वर्टेड हैमर, कुछ भी मिलता है, ठीक है, शूटिंग स्टार भी मिलता है, तो यहां से आप शॉर्ट कर सकते हो वापस। एसएल आपका बहुत छोटा हो जाएगा यहाँ पर, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर 1:2, 1:3 के अराउंड का मिल जाएगा। इनफैक्ट आपको तो ये सोचना चाहिए कि ऊपर चला जाए फिर मेरे को अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेंगे। अगर आप यहां से शॉर्ट कर रहे हो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का मिल रहा है, यहां से शॉर्ट कर रहे हो तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2, 1:3, 1:4 तक का मिल रहा है। तो इस हिसाब से आप इसके अंदर प्ले कर सकते हो। अपोलो टायर और एल्कम दोनों डाउन साइड में ही प्ले करने हैं मंडे के दिन। डाउन साइड कब कब प्ले करने हैं ये मैंने आपको बता दिया। तो थैंक यू दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए, हम ऐसे ही और भी स्टॉक्स के एनालिसिस करेंगे। आप कमेंट के अंदर भी लिख सकते हैं और किस स्टॉक का एनालिसिस करना है, हम आपको उस स्टॉक का एनालिसिस करके बताएंगे। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।